अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली, वेलकम बैक टू माय चैनल वसी सोनी ऑफिशियल। कैसे हैं आप सब? आई होप कि सब ठीक होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह, मैं भी बिल्कुल ठीक ठाक हूँ। और व्लॉग का स्टार्ट सुबह सुबह से ही, सुबह के नाश्ते से यहाँ आरिफ भाई लेटे हुए हैं और दोनों बच्चे जो है ना मेरा सारी में अपने बड़े पापा के साथ लेटे हुए हैं यहाँ पर। तो बस यहीं से स्टार्ट कर रही हूँ मैं अपने व्लॉग का। यहाँ बन रहा है हम लोगों के लिए नाश्ता और वसी तो बैठ भी चुके हैं नाश्ते के लिए। नाश्ता देर से होता है तो इसलिए जो है ना पराठे और रोटी वगैरह ये सब नाश्ते में ही बनता है, और साथ में आज तो कढ़ाई भी बनाई हुई है। तो बस हम लोग कर लेंगे यहाँ पर अपना नाश्ता। हम लोग निकले थे कहीं काम से, अब वापसी पे जो है ना थोड़ी सी भूख लगी है तो मैंने कहा बिरयानी खा लेते हैं। दिन बस ऐसे ही गुजर जाता है क्योंकि देर से उठते हैं तो आधा दिन तो इसी तरह गुजर जाता है, तो इसलिए बहुत ज़्यादा व्लॉग बनाने का मौका नहीं मिलता। आ गई है हमारी बिरयानी, ये तो नान भाई के घर के पास ही है, कलंदरी बिरयानी। हमने कहा चलो थोड़ी सी ट्राई कर लेते हैं, भूख इतनी नहीं थी, ऐसे ही बस मेरा दिल चाह रहा था। वैसे जब से आई हूँ ना कराची, मैंने अभी तक बाहर की बिरयानी ट्राई नहीं की, तो अब खा के फिर बताऊँगी कैसी है। मिला ना टेस्ट कराची में बिरयानी का, है ना? चला गया वहाँ पर तो खाली मसाले मसाले डाले, मसाले मसाले होते हैं यहाँ, डिफरेंट टेस्ट है। तो बिरयानी खानी है कराची आए, पंजाब में नहीं मिलेगी आपको कराची बिरयानी। मैं इंजॉय करती हूँ अपनी बिरयानी, तो बाद में मिलती हूँ। आज से प्लान है हम लोगों का घर से बाहर से जाने का, दावत है इसलिए थोड़ा ही खा रहे हैं। बिरयानी खाने के बाद हम लोग चले गए थे घर पर, और घर आकर मैं हुई हूँ तैयार, क्योंकि आज मैंने आप लोगों को उस टाइम पे भी बताया था हम लोगों की दावत है, हम लोग जो है ना जा रहे हैं तो हाईवे की तरफ जा रहे हैं। हाईवे पे काफ़ी ज़्यादा जो है ना यहाँ पर रेस्टोरेंट्स बने हुए हैं, बहुत बड़े बड़े रेस्टोरेंट हैं, बड़ी रौनक है यहाँ पर हाईवे पर। मंदी हाउस तो बहुत वो पंप से होकर आना है। अभी तक मंदी हाउस, और यहाँ पर इस तरह का सेटअप लगा हुआ है, देखो फैमिली बैठी हुई है और बड़ा खूबसूरत सा माहौल है, मज़ा आ रहा है। हाँ इधर जरा ये सब कुछ है। ओ भाई बड़ा सरप्राइज हमारे चक्कर में, हम लोग यहाँ बैठेंगे हम लोग भाई, ये पहले से जो है ना उसमें भाभी बुक करके बैठी हुई है, हमारे लिए जगह है टोकन के लिए, हमें वेटिंग में नहीं जाना पड़ा। हमने मेरे जूते भी दे दूँ है भाभी, मैं तो सोच रही थी वेटिंग थी यहाँ पे कमर भाई, जो मंगवाना मंगवा लेना। तो हमारा जो ट्रिप है ना, ये हां ये तीन ये हम आप लोगों के लिए तीन, हम खाली चार, हम खाली ज्वाइन कर लिए हैं, मैं अपने ज्वाइन किया, मैं आपके साथ तो फिर मुझे अपनी साइड ले ले, ओरियन इधर आ गया है। उनन भाई, उनन भाई इसको इधर कर दो, माइस को इनके साथ क्या। तो बस पहुंच गए हम लोग मंदी हाउस, पूरी फैमिली के साथ आए हैं, मतलब अभी पूरी फैमिली नहीं आई है, सिर्फ बच्चे बच्चे ही आए हैं। फैमिली तो माशाल्लाह बहुत बड़ी है, और सब आते तो और ज़्यादा मज़ा आता और ज़्यादा रौनक होती। अभी आप लोग जो है ना देख रहे होंगे व्लॉग में काफ़ी ज़्यादा रौनक लगी हुई है, बच्चे वगैरह सभी साथ आए हैं। तो बस मैं आ गई थी यहाँ पर उठकर, मैंने कहा चले आप लोगों को विज़िट करवा देती हूँ रेस्टोरेंट का। तो ये इनका किचन है, तो काफ़ी अच्छा जो है ना सीन है यहाँ पर खाने वाने का, और खाना बन रहा है किचन में, धुएँ उठ रहे हैं खूब, और ये बैठने की काफ़ी अच्छी जगह बनाई हुई है, बड़ी अच्छी रौनक है, बड़े लोग आए हुए हैं यहाँ पर, सभी फैमिलीज़ के साथ आए हैं तो अच्छा लग रहा है। ये ऊपर आई हूँ मैं आप लोगों के लिए वीडियो बनाने के लिए, कि मैं आपको ऊपर से दिखा सकूँ, यही तो मज़े हैं कराची के यार, एक अलग ही माहौल बना हुआ है खाने पीने का, बड़ी रौनकें हैं। बस ही खड़े हैं यहाँ पर, बस इधर मुँह करें, बिहाइंड द सीन चल रहा है यहाँ पे, और घर से निकलते हुए तो वीडियो नहीं बनाई, यहाँ के बनाइए देखो मेरा लुक।
ये सूट जो मैंने किया था आज पहना है यहाँ पर, और ये हमला है मेरे साथ। मैंने कहा चले आप लोगों को अपना लुक दिखा दें यार। इसका एक एक कोना जो है ना बड़ा ही खूबसूरत बना हुआ है, और मैं सिर्फ और सिर्फ आप लोगों को दिखाने के लिए ना पूरे रेस्टोरेंट का चक्कर लगा रही हूँ। कोशिश कर रही हूँ कि मैं आपको सब कुछ दिखा सकूँ, डिनर से पहले सब कुछ दिखा दूँ और अच्छे से जो है ना मैं खाना भी इंजॉय करूँ अपना। तो यहाँ भी बड़ा पीसफुल सा माहौल है, अभी यहाँ पर वैसे कोई बैठा हुआ नहीं है, सन्नाटे पड़े हैं, लेकिन बड़ा प्यारा लग रहा है। और हाईवे पर ये रेस्टोरेंट है मंदी हाउस, और यहाँ हमें दावत मिली है हुनैन की तरफ से। जब कभी भी कराची आएँ तो हाईवे वाली साइड पे आएँ, यहाँ बहुत सारे रेस्टोरेंट्स हैं, बड़े मज़े की रौनकें हैं, खाने हैं मज़े मज़े के। कराची आते हैं तो खानों की अलग ही खुशबू आना शुरू हो जाती हैं, तो जब आप कराची आएँ ना तो ज़रूर आइएगा। यहाँ फोटो शूट चल रहा है भाई का, हुनैन का, हुनैन थोड़ा पीछे हो ना। ये बंदा हमारा वो है जो आज बकरी का मैं आज वैसे दावत बल्ली का पकड़ा हुआ की तरफ से मिली है, बल्ली का बल्ली की तरफ से दावत मिली है। ये बंदा हमारा बहुत खुश है ये भाभी आज तस्वीर पे। और ये भी आए हमारे साथ, ये इनको देखें, दो औरत भी आई हैं हमारे, जूतों की जगह क्या करना। यहाँ आ गया है हमारा खाना, तो हम लोग आए हैं मंदी हाउस। तो मंदी हाउस पर तो मंदी ही स्पेशल है इनकी, तो चिकन में भी मंगवाइए यहाँ पर और मटन में मंगवाइए, क्योंकि बच्चे जो है ना मटन वगैरह नहीं खाते, इसलिए उन लोगों ने जो है ना चिकन में ऑर्डर किए। तो ओवरऑल देखने में बहुत अच्छी है, और अभी खा कर जो है ना आपको हम बता देते हैं। बहुत मज़े का इनका खाना है, बहुत ही उम्दा किस्म का टेस्ट है। मटन मंदी हम लोगों ने ट्राई किया है अभी, तो आप देख सकते हैं वीडियो में ही मटन कितना जो है ना टेंडर हुआ हुआ है, बहुत सॉफ्ट सा और जूसी सा जो है ना इसका मटन है। तो मुझे तो पर्सनली मटन वाली ज़्यादा मज़े की लगी है, लेकिन जो इसकी चिकन के साथ है ना वो भी बहुत मज़े की है, चिकन का टेस्ट बहुत मज़े का। ये देखिए जी, सब लपेट दिया हमने बहुत जल्दी, मुक गया मुक गया मुक गया ऐसा। देखो यहाँ हाथ भी लगाना है फिर। बच्चों ने हमारे इस तरह खाया पलट के, दिखा दो तीन दफा एक्स्ट्रा राइस मंगाए हैं। ये सांप भाई लड़के ऐसे ही खाते हैं यहाँ पर, और ये सारी प्लेट्स खाली हो गई हैं। बहुत मजे का खाना था, बहुत मजा आया माशाल्लाह, बहुत टेस्ट था। आलियान सामने दो, क्यों क्या वजह हो गई? मज़ा आया भाभी को? बहुत मज़ा आया, थोड़ा सा पीछे आना, मज़ा सॉफ है बस करो इनको साफ करो, इंजर विंजर जो रखा हुआ तुमने। कमेंट्री करो, कमेंट्री करो ना कमेंट्री। ये भाभी और वसीम भाई यहाँ पे बैठे हैं, इन्होंने पूरा व्लॉग बना लिया है, अब इनका आधा व्लॉग हम बना रहे हैं। इनको बहुत पसंद आया कराची का खाना, इतनी दूर से आए मंदी हाउस, ये इस्लामाबाद से मदद खाने के लिए आए। माउंटेन ड्यू ये पिए आप, मुंह खोल खोल कर कोल्ड ड्रिंक पी रही हैं। वो भी तो एक पार्टी ये है और थर्ड पार्टी ये, ये तो बैठे हुए, ये हाई फाई पार्टी है, एक ये रहे और एक ये रहे। पार्टी की तरफ से सब्जी था, मेहमान मेहमान नहीं है, सबसे पहले आए थे, इन्होंने हमारा घंटा बजाया है, बुकिंग इन्होंने कराई पप्पू सेठ। ये क्या नाम था, ये भी करवाई पप्पू सेठ, आपके भी पप्पू सेठ। देखो हर आदमी एक एक काम करे, हमने बुकिंग करा ली, बाकी आप लोग कर ले। तीन सूट बात करेंगे, तीन सूट हम, मैंने ऑर्डर दिया था। ये आसान भाई बहुत फेमस है, हम यूनिक है, अभी भी इनको कोई याद आ गया, 5 साल से निकल नहीं पा रही है। ये देखो गोल्डी में गोल्डी, और हुनैन भाई ये बताता हूँ, शरियार भाई यही खिला रहे हैं, ये बंदा यही है, पकड़िएगा जरा इसको ना। यहाँ आप दोनों को बड़ा पसंद आया कराची का खाना, अब बाकी आप टू भी कंटिन्यू। खाना हमारा हो गया है, अब बारी आती है मीठे की, तो यहाँ पर मीठे में मंगवा लिया था बच्चों ने कुनाफा। वैसे मूड नहीं था कुछ खास मीठा खाने का, हम लोग सोच रहे थे कि बाहर चलेंगे पान वगैरह खाएंगे और आइसक्रीम खा लेंगे, लेकिन फिर जो है ना कुनाफा ऑर्डर कर लिया यहाँ।
निकालो 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 आप क्लियर हो गया सब कुछ अब तो 1 बजे बंद हो जाता है ना। हाँ कह रहा हूँ ना इस टाइम सारा क्लियर हो गया। हाँ तो 1 बज रहा है ना अब जो एंट्रेंस होगी। खाना वगैरह हमारा हो गया उसके बाद मीठा भी खाया हम लोगों ने। आपने देखा कि किस तरीके से हम लोगों ने मीठा खाया तो बहुत मज़ा आया इस तरह भी खाने का। उसके बाद आ गए हम लोग बाहर थोड़ी देर। हमने कहा चलें थोड़ी सी पिक्चर वगैरह ले लेते हैं और इस तरह बस हमारा टाइम गुजर। लियारी एक्सप्रेस वे पे हम लोग जा रहे हैं। कहाँ जा रात के 2:15 जो है ना हमें लेके जा रहे हैं CVO। पता नहीं क्या दिखाएंगे मेरे में यारे भाई के बच्चे हैं और ताली भाई के ताली भाई के बच्चे और आरिफ भाई के बच्चे हैं। ये मेरा कोई डिसीजन नहीं है ये अपनी तरफ से नाम लिया जा रहा है ताली भाई को। तो मेरे में भाई कोई वीडियो भी नहीं बन पा रही है जितनी बन रही है ना मैं दिखा रही हूँ देख लेना आप लोग। सीधा सीधा वसीम भाई सीधा किसी टाइम दिन में भी दिखाऊंगी। और जो गूगल मैप है ना वो हमें घुमाए जा रहा है इधर। गूगल मैप नहीं घुमा रहा घुमा रहा ने क्लिफ्टन सर्च किया था जहाँ वाली बाजी अच्छी नहीं है। सीवियो भी डाला था क्लिफ्टन भी डाला था। अबे दो थोड़ी डालते हैं। तो भाई तुम वो आ रहा था ना सच में और गलत तुम कराची वालों का सीधा सीधा आपका है। तुम कराची वालों की जिम्मेदारी थी ना कहाँ है हाइपर वो बंद पड़ा है हाइपर इनका क्या बंद पड़ा है हाइपर चार हाइपर स्टार बंद पड़ा हुआ है। और ये हमें सड़कों पे जो है ना कौन सी फुहारी करवा रहे हैं नहीं नहीं कौन सी फुहारी कहते हैं सड़कों पे कुत्ता फुहारी करवा रहे सीधा ये कह रहे जो खाई है ना हमने मंदी वो यही हजम कर ला है।